से है जहां मंच से बीजेपी नेता ने खुली चेतावनी दी है कि गैर हिंदू गरबा कार्यक्रम से दूर रहे, सभी को आधार कार्ड रखना जरूरी है, सत्यापन के लिए आधार कार्ड जरूरी है। गरबा मंच से ही बोले थे मुकेश यादव, बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष हैं मुकेश यादव। तो जैन में बीजेपी नेता ने ये मंच से सभी को खुली चेतावनी दी है, कहा कि जो गैर हिंदू हैं वो गरबा उत्सवों से दूर रहे और सभी के लिए आधार कार्ड रखना जरूरी है। सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी है। गरबा मंच से ही बोले थे मुकेश यादव, बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष हैं मुकेश यादव। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई गैर हिंदू या मिलिया तो अपना खुद का जिम्मेदार होगा वो, और आधार कार्ड आवश्यक रूप से रखें साथ में, क्योंकि कहीं भी हमारा कार्यकर्ता अगर चेक कर लेंगे और अवैध निकल गया कुछ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है। और फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई गैर हिंदू या मिल गया तो अपना खुद का जिम्मेदार होगा वो, और आधार कार्ड आवश्यक रूप से रखें साथ में, क्योंकि कहीं भी हमारा कार्यकर्ता अगर चेक कर लेंगे और अवैध निकल गया कुछ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान। तो कहीं भी हमारे कार्यकर्ता चेक कर लेंगे और अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अजय पटवा हमारे सहयोगी उज्जैन से लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, गरबा उत्सव जिसे देखो वही फरमान सुनाता हुआ दिखाई दे रहा है, खुली चेतावनी बीजेपी नेता की ओर से। जी देखिए, उज्जैन के नवरंग डांडिया जो है, जो आयोजक है मुकेश यादव, इनके द्वारा जो है मंच से कल कहा गया था कि जो गरबा पंडाल में जितने भी गैर हिंदू हैं वे स्वयं ही यहाँ से चले जाएं, नहीं तो उनके आधार कार्ड चेक किए गए और यदि आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ जो भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। तो इसको लेकर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि कोई भी गैर हिंदू जो है गरबा पंडालों में नहीं रहे, और यदि है तो वो स्वयं यहाँ से तत्काल चले जाए यदि आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, और उसके बाद जो भी हर्जाना होगा तो वो भुगतेंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है तो सभी दूर देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से गरबा पंडालों में गरबा खेलने वालों के जो है गैर हिंदुओं को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो गरबा पंडालों से दूर रहें, और इस प्रकार की देवी आराधनाओं में जिस तरीके से जो बहन बेटियां आती हैं तो उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गरबा आयोजकों के द्वारा इस प्रकार के फरमान जारी किए जा रहे हैं। तो उज्जैन में भी इस तरीके का फरमान जारी किया गया था और जिसका ये वीडियो वायरल हुआ है। जी बहुत धन्यवाद अजय आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर बिलासपुर से है जहां महादेव सट्टा ऐप घोटाला केस में जेल में बंद सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हजारों करोड़ के इस घोटाले में नितिन तिब्रेवाल, सूरज चौखानी, अमित अग्रवाल और गिरीश तलरेजा जेल में बंद हैं। सभी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई थी। तो महादेव सट्टा ऐप घोटाला केस में जेल में बंद सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। हजारों करोड़ का ये घोटाला है। इस घोटाले में नितिन तिब्रेवाल, सूरज चौखानी, अमित अग्रवाल और गिरीश तलरेजा जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या कुछ कहा गया है हाईकोर्ट की ओर से? देखिए, छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप घोटाला हाई प्रोफाइल घोटाला निकलकर सामने आया था, जिसको लेकर लगातार इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी उन आरोपियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जमानत याचिका, उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। चूंकि ये हजारों करोड़ के घोटाले का मामला था जिसमें नितिन तिब्रेवाल, सूरज चौखानी और अमित अग्रवाल, गिरीश तलरेजा जैसे जो लोग हैं वो जेल में बंद है। फिलहाल इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। जी धन्यवाद उमेश मौर्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए।
छत्तीसगढ़ से पहले यहां मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में अजीत गुट के विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर नरहरी झिरवल ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। नरहरी झिरवल महाराष्ट्र मंत्रालय की तीसरी मंजिल से इन्होंने छलांग लगा दी। धनगर समाज के आरक्षण का ये विरोध कर रहे हैं और धनगर समाज को ST कोटे से आरक्षण देने से ये बेहद खफा हैं। अजीत पवार गुट के विधायक हैं नरहरी झिरवल, वो तो यहाँ पर नेट लगा हुआ था इसीलिए बच गए। नरहरी झिरवल विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर हैं और थर्ड फ्लोर से इन्होंने छलांग लगा दी थी। तो मामला ये है कि ये आरक्षण धनगर समाज को दिया गया है उसके खिलाफ में है। धनगर समाज को ST कोटे से आरक्षण दिया गया है, उसकी मुखालफत में तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी अजीत पवार कोटे गुट के विधायक नरहरी झिरवल ने। वहीं रीवा में त्योथर से विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने मजार के नाम पर सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर अमहिया में सड़क के मोड़ पर बने मजार की फोटो और वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर अवैध कब्जा जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि अवैध कब्जे को हटाया जाए। बता दें कि अमहिया में ही विधायक सिद्धार्थ तिवारी के साथ ही डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल का भी आवास है और सड़क के मोड़ पर बने मजार के चलते आए दिन यहां जाम की स्थिति बनती है और लोग जाम में परेशान हो रहे हैं। अमहिया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है, ऐसी स्थिति में इस तरह का अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। नीमच में बालाजी मंदिर में मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों ने एक युवक को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला सिटी थाना क्षेत्र के बालाजी मंदिर का है। पूछताछ में युवक मानसिक रूप से विकसित बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पुजारी की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। तिरुपति लड्डू विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिरुपति प्रसादम मामले की स्वतंत्र SIT जांच के आदेश दिए गए हैं। तिरुपति मंदिर प्रसादम मामले में SC सुप्रीम कोर्ट के आदेश, प्रसादम मामले की जांच करेगी स्वतंत्र SIT में CBI और राज्य सरकार के दो दो अधिकारी होंगे। SIT में FSSAI के सीनियर अधिकारी भी होंगे। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। स्वतंत्र SIT जांच के आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अगली खबर श्योपुर से है, जहां विजयपुर उपचुनाव से पहले BJP को लगा है बड़ा झटका। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दीपेंद्र राजावत सहित 50 से ज्यादा BJP कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इसके साथ ही BSP के 12 नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो जीतू पटवारी ने इन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। विजयपुर उपचुनाव से पहले यह झटका BJP को लगा है। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दीपेंद्र राजावत सहित 50 से अधिक BJP कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। रतलाम से नागदा जा रही डीजल से भरी मालगाड़ी पलटने के मामले में अब साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। हाल फिलहाल में देश के कई हिस्सों में ट्रेन डीरेल की कई घटनाओं को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि कहीं रतलाम में भी तो ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश तो नहीं की गई।
बता दें कि कल देर रात डीजल से भरी मालगाड़ी के 3 वैगन पलट गए थे। गनीमत रही कि ये मालगाड़ी थी, अगर इसकी जगह कोई सवारी गाड़ी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जांच एजेंसियां साजिश या दुर्घटना के एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस बीच दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को क्लियर कर दिया गया है और रेल ट्रैफिक बहाल हो गया है। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है जो अब पूरी तरह से क्लियर हुआ है। देर रात जो है 3 वैगन जो है पेट्रोलियम पदार्थ से भरी हुई मालगाड़ी की वो डिरेल हुए थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव तस्वीर है। यहाँ पे अभी जो है ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी है उसका यहाँ पे काम लगातार जारी है। 200 से ज़्यादा जो रेलवे कर्मचारी है, अधिकारी है, वो रात से ही यहाँ पे युद्ध स्तर पर लगे हुए थे, क्योंकि मेन ट्रैक है। डाउन लाइन यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई थी, बंद थी, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि अप लाइन से ट्रेनों का परिवहन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और ये देखिए सीधी तस्वीर है आपको, जो इलेक्ट्रिक पोल है वो पूरी तरह से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ था, कुछ स्लीपर भी यहाँ पे डैमेज हुए थे, लेकिन अब जो है फाइनल स्टेज में इस काम को किया जा रहा है। 2 से 3 जो ओएची है उसको यहाँ पे सही किया जा रहा है। तो अब कुछ ही देर बाद उम्मीद यही की जा रही है कि जो ट्रैक है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जो है आवागमन इस ट्रैक पर से शुरू किया जाएगा। वहीं इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक होटल से 22 भिखारियों को पकड़ा। ये भिखारी दिन में भीख मांगते थे लेकिन रात को होटल में लग्जरी लाइफ बिताते थे। जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये भिखारी राजस्थान के रहने वाले हैं और 22 लोगों का ग्रुप आया हुआ है जिनमें से 11 बच्चे हैं और 11 महिलाएं हैं। वहीं अधिकारी भी इन्हें देखकर हैरान थे। अधिकारियों ने होटल मालिकों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। बिल्कुल, अगर इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन में कोई इस तरीके की चीज़ आएगी जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि कोई उनसे ये काम करवा रहा है और इस प्रकार की चीज़ों में लिप्त है, तो निश्चित रूप से न केवल आपराधिक प्रकरण, अगर आवश्यकता पड़ी तो जिला पदाधिकारी एनएसए जैसी कार्रवाई भी ऐसे माफियाओं के। इंदौर में 35,000 किलो चोरी की शक्कर के साथ 4 आरोपी पकड़े गए हैं। तेजाजी नगर पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए शक्कर और ट्रक समेत 70 लाख का माल बरामद कर लिया है। पुलिस की माने तो ट्रक के मालिक का भाई ही चोरी का मास्टरमाइंड था और शिकायत के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने चोरी का पर्दाफाश कर दिया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।